हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी दीप होम जयपुर से स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक 3 BHK का 1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ फ्लैट दिखाने वाला हूं और लोकेशन इसकी बहुत ही अच्छी है। मेन जो 200 फीट हाईवे है, दिल्ली अजमेर जो हाईवे है, वहाँ से मात्र 100-150 मीटर की डिस्टेंस पर ये है। और यहाँ पर आज जो आपको 3 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये फुली फर्निश्ड फ्लैट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इसमें जो भी सामान लगाया हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले अपना एंट्रेंस आता है और मेन एंट्रेंस पे देखिए यार, गेट की क्वालिटी बहुत ही प्यारी क्वालिटी यहाँ पे दी हुई है। अंदर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये फ्लैट है या फिर विला है, एकदम विला टाइप में इसे डेकोरेट किया हुआ है। और स्पेस की यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर स्पेस यहाँ पे है, एक बड़ी फैमिली भी इजीली यहाँ पे रह सकती है। सबसे पहले यहाँ पे अपना ये लिविंग एरिया आता है, जहाँ पे आप देख सकते हो 7 सीटर सोफ़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही सेंटर टेबल यहाँ पे लगाई हुई है और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखिए, ऊपर की तरफ फोर्सलिंग है, फोर्सलिंग के साथ ही वुडन वर्क यहाँ पे किया हुआ है और वॉलपेपर का भी ऊपर यूज किया हुआ है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स वगैरह, काफ़ी खूबसूरत लाइट्स यहाँ पे लगाई हुई है। लिविंग के बाद अब आ जाता है यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया। यहाँ का फ्लोर प्लान अपन देखते हैं तो यहाँ पे 3 बेडरूम और आपको 3 यहाँ पे लेट बाथ मिलने वाले हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो है यहाँ पे किचन है और ये किचन का अपना एंट्रेंस रहने वाला है। एंट्रेंस के सामने की तरफ यहाँ पे डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है, डाइनिंग स्पेस जो है आपको यहाँ पे 4 सीटर मिलने वाला है। और ऊपर की तरफ यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी आपको फोर्सलिंग मिलती है, हर जगह यहाँ पे फोर्सलिंग की हुई है। और यहाँ किचन का स्पेस देखिए, किचन पूरा मॉड्यूलर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्वालिटी का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी में पूरा वर्क यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो पूरा ग्रेनाइट का यूज किया हुआ है, जो काउंटर यहाँ पे है ग्रेनाइट का आपको यहाँ पे मिलने वाला है, साथ ही ड्रॉवर वगैरह आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है पूरा ही। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो प्रॉपर स्पेस यहाँ भी मिल जाता है, साथ ही चिमनी आपको यहाँ पे लगाई हुई मिल जाएगी, गीजर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें वेंटिलेशन के लिए किचन में यहाँ साइड में स्पेस विंडो में आपको मिल जाती है और चिमनी यहाँ साइड में, ऊपर की तरफ फोर्सलिंग भी इसमें मिल जाती है। अगर आप करना चाहते हो कुछ भी सर्व यहाँ से, तो अंदर से ही आपके लिए यहाँ पर अलग स्पेस यहाँ दिया हुआ है। और अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर बेडरूम में, और बेडरूम में जाने से पहले यहाँ सामने के स्पेस में देखिए, जो अपना सोफ़ा है उनके जस्ट सामने का स्पेस यहाँ पे LED पैनल के लिए यूज किया हुआ है। और अब अपन एंटर हो चुके हैं यहाँ पे बेडरूम में, तो ये फ्लैट का सबसे पहला बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम है। साइज़ जो इसकी 11x11 की आपको मिलने वाली है, बेड जो डबल बेड आपको यहाँ पर लगाया हुआ मिल जाएगा, फोर्सलिंग है, वॉलपेपर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगाई हुई मिल जाएगी, हेवल्स के यहाँ पे फैन लगाए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देखिए एक वुडन वार्डरोब आपको मिल जाती है, अंदर बाहर दोनों तरफ इसमें आपको माइका मिलने वाली है। स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही यहाँ साइड में है एक LED पैनल। और अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम में जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले कॉमन एक लेट बाथ आता है, जो कि अटैच और कॉमन दोनों तरह से अपन यूज कर सकते हैं। सैनिटरी का जो भी काम है आपको यहाँ पे जगवार और सेरा का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग्स है। गीजर, एग्जॉस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगाई हुई मिल जाएगी। और ये है फ्लैट का दूसरा बेडरूम। फ्लैट जो है अपना ईस्ट फेसिंग में इसका मेन गेट खुलता है और ये इसका सेकंड बेडरूम है, जो कि आपको 12x14 की साइज़ में मिल रहा है। एक बहुत ही प्यारी साइज़ में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। यहाँ आप साइड में देख सकते हो ये विंडो है, जो कि अपनी बालकोनी की तरफ ओपन होती है। यहाँ साइड में मिल जाता है अपन को ड्रेसिंग स्पेस, और बेडरूम जो है ये भी आपको किंग साइड में मिल रहा है, किंग साइज डबल बेड मिल जाता है। साथ ही बेड के जस्ट सामने की तरफ अपन देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ LED पैनल अपन को मिलने वाला है। वार्डरोब जो है इसमें आपको 2 दी गई है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है।
साथ ही गेट देख सकते हो आप, जो हॉल से कनेक्ट हो रहा है अपना, कॉमन और अटैच दोनों तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। और अब देखते हैं अपन यहाँ लास्ट बेडरूम, जो कि थर्ड बेडरूम है इसका फ्लैट का। 12x13 की साइज़ में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। इसमें भी आपको बेड लगाया हुआ मिल जाएगा। पीछे की वॉल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉलपेपर और वुडन का बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ मिल जाती है आपको फोसलिंग के साथ ही बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे लाइटिंग लगाई हुई है, और हैवल्स के यहाँ पे फैन मिल जाते हैं। विंडो आपको इस रूम में भी मिलती है, जो कि अपने बिल्डिंग के सामने की तरफ ये ओपन होती है। और इस बेडरूम में मिल जाता है आपको एक अटैच लेट बाथ। सीट्स जो भी है यहाँ पे आपको वेस्टर्न मिलने वाली है, पूरी हाइट तक टाइल्स का यूज किया हुआ है। और यहाँ साइड में मिल जाता है आपको ड्रेसिंग एरिया। अब दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे बालकनी का स्पेस। देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी साइज में आपको यहाँ पे बालकनी का स्पेस मिलता है। और ऊपर की तरफ देखते हैं अपन बालकनी में, तो यहाँ भी आपको एक प्यारी सी लाइट यहाँ पे लगाई हुई मिल जाएगी। फोसलिंग इसमें भी की हुई है, और यहाँ से आप सामने का व्यू भी देख सकते हो। तो फ्लैट जो आज आपने देखा, इसकी फर्निश्ड फ्लैट की डिमांड रेट 63 लाख रुपये है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। अगर पसंद आया वीडियो तो यार लाइक करो, और ऐसे और भी प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।